सत्यमेव जयते, सच को छुपाया नहीं जा सकता। सच यही है कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जो बात मैं लगातार कहता आया हूँ कि इस दिल्ली को शराब माफियाओं को बेच दिया है। नई आबाकारी नीति में भ्रष्टाचार हुआ है और इसको लेकर के हम लगातार संघर्ष कर रहे थे, लिख रहे थे। पिछले दिनों में पुलिस कमिश्नर से भी मिलकर के कंप्लेंट दे के आए थे कि इसकी जाँच होनी चाहिए। पर प्रश्न उठता है कि पूर्व एलजी साहब ने इस पर जाँच क्यों नहीं बैठाई। देर आए दुरुस्त आए, और खुद अरविंद मान चुके हैं कि सिसोदिया जेल जाएंगे। सवाल ये है कि क्या सिसोदिया अकेले जाएंगे या अरविंद भी साथ जाएंगे, क्योंकि सच यही है कि देश की राजधानी दिल्ली को शराब माफियाओं को बेच दिया गया। शराब पॉलिसी उनके इशारे पे बनी। पंजाब चुनाव में क्या कनेक्शन है, क्या इसकी जांच होगी? क्या यूं ही कांग्रेस के नेतृत्व को ईडी के द्वारा बुलाया जाएगा? क्या आम आदमी पार्टी या शराब माफियाओं को भी ईडी बुलाएगी, इसकी भी जाँच होगी? ये बड़ा प्रश्न है।